Welcome to all students. I am Sonalini Mishra from IIMS. Today I am going to recite a poem. It is a very interesting poem. Unit 4, Class 4th, NCERT, Book, Class 4th. What is the topic of this poem? Why? Why that means Q. Now let's start. Why that means Q. I know a curious little boy who is always asking why. Why this, why that, why then, why now, why not, why by the by. Now let's start. Enjoy this poem. Curious little boy. जो उत्सुक रहते हैं. मैं एक उत्सुक बच्चे को जानता हूँ. Who is always asking why. वो हमेशा पूछता रहता है why. Why क्यों. वो हमेशा क्या पूछता है. क्यों. Why this, यह कैसे, ये क्यों, वो, why that, वो क्यों, why then, फिर क्यों, why now, अब क्यों, why not, क्यों नहीं, why the, why, ये सब. वो जो उत्सुक बच्चा है उसके अंदर ये जिज्ञासा है कि ये कैसे है, ये क्यों है, ये किस, ये कैसे, वो कैसे. तो उसके अंदर एक जिज्ञासा पैदा हो रही है कि मैं ये जान लूँ, वो जान लूँ. तो जो पोएट है वो बोल रहा है कि मैं एक क्यूरियस लिटिल बॉय को जानता हूँ. क्यूरियस दैट मीन्स होता है ईगर, जो उत्सुक रहते हैं. बच्चों के मन में आता होगा, जैसे आप लोग हैं, आप लोग के भी मन में कई फीलिंग्स आती होगी कि ये बादल क्यों उठते हैं, ये सन क्यों चमकता है, इस टाइप से आपकी फीलिंग्स आती हैं. तो उसी तरह से वो बच्चे को, वो जो पोएट है वो बोलता है कि मैं एक क्यूरियस लिटिल बॉय को जानता हूँ, एक छोटा बच्चा को जो उत्सुक रहता है, जो हमेशा ये पूछता रहता है. हु इज ऑलवेज आस्किंग why, जो हमेशा क्यों, क्यों, वो क्यों, फिर क्यों, अब क्यों, क्यों नहीं. तो उसके जो क्वेश्चन है वो पूछते रहने का, ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ. तो पोएट बता रहा है कि जो लिटिल बॉय है वो बहुत जिज्ञासु है, ईगर है, उत्सुक है. ओके. ही वॉन्ट्स टू नो वाई वुड शुड swim, sink, why sun should shine and should blue and why we eat and drink. वो जो बच्चा है, उत्सुक बच्चा है, जो जिज्ञासु बच्चा है, वो जानना चाहता है. He wants to know why wood should swim. लकड़ी क्यों तैरती है. Swim means तैरना. Why lead and marble sink. और जो lead रहता है और मार्बल, जो मार्बल मींस होता है पत्थर, मार्बल और जो कंचे वगैरह रहते हैं उसे भी मार्बल बोलते हैं. मार्बल मींस होता है पत्थर. ये क्यों टूटता है. वाई सन शुड शाइन एंड विंड शुड ब्लू. सूर्य क्यों चमकता है एंड और हवाएं, जो हवाएं क्यों बहती हैं. एंड वाई वी ईट एंड ड्रिंक. और हम क्यों खाते हैं और क्यों पीते हैं. तो जो बच्चा है वो यह जानना चाहता है, इस ये जानने की उत्सुकता है उसमें कि लकड़ी पानी में क्यों तैरती है, जो लीड है और मार्बल है वो क्यों टूटते हैं, और जो सन है, सन दैट मीन्स सूर्य, वो क्यों चमकता है, जो हवाएं हैं वो क्यों बहती है, और हम क्यों खाते हैं, क्यों पीते हैं. कभी अपने मन में भी ये ख्याल लाते होंगे कि ऐसा क्यों होता है, ये किस लिए होता है, ऐसा करने से क्या होगा, क्यों होगा, आपके मन में ख्याल आते हैं ना. तो उसी तरह से ये बच्चा जो है उसके मन में भी कई प्रकार के डिफरेंट तरीके के ख्याल आ रहे हैं. ओके. आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं हम. ही वॉन्ट्स टू ने द क्लाउड्स एंड वाई दे क्रॉस द स्काई, वाई सिंक्स द सन बिहाइंड द हिल्स एंड वाई द फ्लावर्स डाई. तरह से वो बच्चा है जो जानना चाहता है कि बादल क्यों बनते हैं एंड वाई द क्रॉस द स्काई, और ये बादल जो है वो आकाश में कैसे पार करते हैं. वाई सिंक्स द सन बिहाइंड द हिल, और ये जो सिंक मीन्स होता है सेट होना, अस्त, सूर्यास्त होना. ये सूर्य जो है वो हिल्स के पीछे क्यों सेट हो जाता है, सिंक हो जाता है. एंड वाई द फ्लावर डाई, और ये जो फ्लावर हैं,
फूल हैं ये क्यों मरते हैं? क्लाउड्स मीन्स होता है बादल, स्काई मीन्स आकाश, सिंक मीन्स होता है सेट होना, अस्त होना, और हिल्स मतलब होता है पर्वत, पहाड़। ओके, नेक्स्ट स्टैंजा देखेंगे। सम ऑफ दिस व्हाई आर टू हार्ड टू आंसर इफ यू विल ट्राई अदर्स नो वन इट हैज फाउंड द रीजन व्हाई। सम ऑफ दिस वाई आर नॉट टू हार्ड, मतलब जो वो कह रहा है कि कुछ क्वेश्चन जो ऐसे हैं, वाई यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, वेरी टू हार्ड मीन्स वेरी, आंसर इफ़ यू विल ट्राई, आप उसको आंसर जवाब देने की कोशिश कर सकते हैं। अदर्स नो वन एवरी एट, और कुछ अदर्स जो दूसरे हैं वो भी ये नहीं जानते, हैज़ फाउंड रीज़न वाई, और इसका कारण क्या है और ऐसा क्यों होता है, इसका कोई कारण अभी तक नहीं पता लगा पाया है। अदर्स नो वन एवर एट हैज़ फाउंड द रीज़न वाई, इस अभी तक इसका कोई ऐसा क्यों होता है ये कोई पता नहीं लगा पाया है। इन दिस पोयम एक लिटिल बॉय है जो बहुत उत्सुक है कि बादल कैसे बनते हैं, बादल कैसे क्रॉस होते हैं आकाश में, हवाएं कैसे चलती हैं। तो इस पोयम में उस बच्चे की उत्सुकता के बारे में बताया गया है कि वो कितना जिज्ञासा, आप लोग के मन में भी जिज्ञासा होती है ना कि ऐसा क्यों है, क्या है, किस लिए है, आपके मन में भी सवाल बनते हैं कि नहीं, वैसे ही उस बच्चे के मन में भी सवाल थे। सो डियर स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड दिस पोयम, लर्न दिस पोयम एंड सेंड मी योर वॉइस रिकॉर्डिंग। ओके, थैंक यू।